नमस्कार, यू आर वॉचिंग लाइफस्टाइल और मैं हूं आपका होस्ट एमके वर्मा। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड, अगर आप अपने डेटा को अनऑथराइज्ड पर्सन से सिक्योर रखना चाहते हैं और अपने फोल्डर को पासवर्ड देना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आप अपने फोल्डर को पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ डेमो। ये डेमो नाम का फोल्डर बन गया। अब आपने क्या करना है, नोटपैड खोलना है। नोटपैड खोलने के बाद आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे मैंने आपको एक कोड दिया है, आपने उस कोड को वहाँ से कॉपी करना है और नोटपैड के ऊपर पेस्ट कर देना है। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस कोड के अंदर आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह एक पासवर्ड देना है जो आप चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपने इस फाइल को सेव कर देना है डेमो फोल्डर के अंदर, जो अभी हमने डेस्कटॉप पे डेमो फोल्डर बनाया उसके अंदर। इसका नाम मैं दे रहा हूँ demo.bat, बैच। बैच का मतलब है एक बैच फाइल बन जाएगी। नीचे आपने सेलेक्ट कर लेना है ऑल फाइल, इसके बाद इसको सेव कर लेना है। सेव हो गया, इसके बाद आपने इसको क्लोज कर लेना है। अब आप जब डेमो फोल्डर जो अभी आपने बनाया है इसको जब खोलोगे तो इसके अंदर एक डेमो नाम की विंडोज बैच फाइल बन चुकी होगी। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा जिसका नाम होगा पर्सनल, ठीक है। अब इस पर्सनल फोल्डर को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ डेटा डाल के देखते हैं। जैसे कि यहाँ डेस्कटॉप पे 3 फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं इनको यहाँ से कट कर रहा हूँ और इसके अंदर पर्सनल फोल्डर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फाइल चली गई और मैंने इस फोल्डर के अंदर, पर्सनल फोल्डर के अंदर ये 3 फाइल्स रख ली। अब ये मान के चलते हैं कि आपने इस फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है तो आपने डेमो जो बैच फाइल बनी हुई है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ये आपको पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द फोल्डर। आपने यहाँ वाई प्रेस करना है। जब आप वाई प्रेस करेंगे उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है तो आप देखिए यहाँ से पर्सनल नाम का फोल्डर गायब हो गया, ठीक है। अब कोई नहीं देख पाएगा कि यहाँ पे कोई फोल्डर भी था। अब आपने उस फोल्डर को देखना चाहते हो आप, तो आपने क्या करना है, डेमो जो बैच फाइल बनी हुई है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा एंटर पासवर्ड टू अनलॉक फोल्डर, तो आपने जो पासवर्ड वहाँ पे सेट किया था 1 2 3 4 5 वो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपका हाइड की और फोल्डर दोबारा वापस आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपकी फाइल्स वैसे ही होंगी जैसे आपने रखी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि आप किसी फोल्डर को आपने कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंतजार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। टिल देन कीप वॉचिंग लाइफस्टाइल।